हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल सिलाईवन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, सिलाईवन ट्यूटोरियल में आज से मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। सिलाई की कोर्स है, स्टिचिंग कोर्स है। देखिए, ये स्टिचिंग कोर्स के जो सिलेबस है मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है। बेसिक जो है हमारा बेसिक सिलेबस है, उसके बाद जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये बेसिक के बाद जितने सूट होते हैं प्लाजो कटिंग सारे, उसके बाद हमारी ब्लाउज और लहंगा की है। तो इसमें मैंने यहाँ पर ये कोर्स के टाइप बनाया हुआ सिलेबस और उसके साथ मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको भी बनवाऊंगी साथ में, तो आप मेरे साथ ये बना सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स को ये फ्रेंड्स से बिल्कुल फ्री कोर्स है और जो मेरी सहेलियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती या बहुत ही बिजी है काम में, तो इस कोर्स को रात के टाइम में कभी भी कर सकती हैं जब वो फ्री हों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलेबस में मेरे क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंचिटेप, कच्चा डालना, तिरपाई सीखना। यहाँ पर है तिरपाई को जो हेम सिलाई बोलते हैं, ये है हमारा हुक लगाना सीखना, हुक वाली आई सीखना, बटन लगाना सीखना, बटन वाली आई, सिंपल पेटीकोट गोल साइज जिसे बोलते हैं उसकी कटिंग है, फिर स्टिचिंग है, फिर चार कली है, चार कले की कटिंग है, चार कले की स्टिचिंग है, छह कले की कटिंग है, फिर स्टिचिंग है, स्लिप कटिंग है। स्लिप में देखिए मैंने छह तरह की स्लिप बनाई हुई है। सबसे पहले सिंपल स्लिप जो आप हमेशा यूज करते हैं, पॉप स्लिप डिजाइन में थोड़ा आ जाता है, बेल स्लिप जो थोड़ी बेल टाइप की लगती है अम्ब्रेला में, हट शेप, हट शेप बनाएंगे, मोहरी विद राउंड, मोहरी में राउंड की तरह बनाएंगे, मोती वाली स्लिप होती है। उसके बाद हमारे है सिलेबस में पार्ट है, ये सारे बेसिक पार्ट चल रहे हैं, तीन पार्ट हम कराएंगे, बेसिक पार्ट के हैं सारे ये। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये डोरी पलटना और सीखना, मतलब डोरी जो है पलटना, किस तरह बैग में जो हमारे ब्लाउज में सूट में डोरी लगते हैं गले में, तो उसे हम किस तरह से पतली डोरी बना के पलट सकते हैं और उससे लटकन उसमें कैसे बना सकते हैं। सिंपल डोरी पलटना, सिंपल लटकन सीखना, सिंपल तरह की लटकन हम बनाएंगे, डिजाइनिंग लटकन बनाना, डिजाइन थोड़ा हल्का डिजाइन में दो तीन लटकन हम डिजाइन में आपको बताएंगे। पतली डोरी हम कैसे पलट सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ हमारी है गले की, जैसे राउंड नेक कैसे हम उसको कटिंग करेंगे, कैसे स्टिच करेंगे, रेक्टेंगल शेप में यानी चकोर गला कैसे हम बनाते हैं, उसको कैसे स्टिच करते हैं, भी शेप में कैसे करते हैं, क्लोथ में पाइपिंग कैसे लगाते हैं यानी क्लोथ पाइपिंग गले में कैसे लगाएंगे, थ्रेड पाइपिंग, क्लोथ एक होता है कपड़े की पाइपिंग, एक होती है धागे वाली पाइपिंग। तो देखिए इसमें मैं गले के भी पार्ट बताए हुए हैं, फिर ये सारे हमारे जहां तक हो रहे हैं गले की वो हमारे बेसिक पार्ट हो रहा है, तो ये हमारा है यहां तक बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट का खत्म होने के बाद उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होगा। पार्ट बी में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे, फिर हमारा आएगा सिंपल सलवार की कटिंग, सेमी पटियाला जिसको हाफ पटियाला बोलते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग आएगा, लॉन्ग कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग, मतलब लॉन्ग कुर्ती जो अपने चूड़ीदार पैंट पे या लेगिंग्स पे पहनते हैं, प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग, प्लाजो की कटिंग, प्लाजो दो तरफ से, एक आपकी बेल्ट वाली और एक गार्डर वाली होती है जो इलास्टिक वाली, लॉन्ग सूट कटिंग एंड स्टिचिंग कॉलर वाली जो कॉलर नेक कैसे लगाते हैं, चूड़ीदार पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग, शॉर्ट सूट कटिंग एंड स्टिचिंग, फुल पटियाला कटिंग एंड स्टिचिंग, फुल पटियाला, एक सेम पटियाला मैंने सिखाया फिर फुल पटियाला, सिंपल ब्लाउज। अब यहां से तक हमारा पार्ट बी स्टार्ट, जो बी पार्ट है खत्म हो जाता है। पार्ट सी में हमने करना है सिंपल ब्लाउज मेजरमेंट एंड कटिंग, पहले आपको बॉडी से कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग कैसे किया जाता है, सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे किया जाता है, धोती पैंट जो है हमारा ये पार्ट बी का है, आप इसे पार्ट बी में रखेंगे, सिर्फ ब्लाउज जो है हमारा वो पार्ट सी है। सिंपल ब्लाउज विद बेल्ट, बेल्ट वाली जो होती है वो ब्लाउज। उसके बाद ये टुलिप सलवार है, ये भी हमारा पार्ट बी में जा रहा है। सिंगल कटोरी ब्लाउज है, सिंगल कटोरी की स्टिचिंग है, अम्ब्रेला सूट कटिंग एंड स्टिचिंग है, कली वाली अम्ब्रेला सूट है, बैक में जीप कैसे लगाते हैं सूट में, डबल कटोरी ब्लाउज है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, पैडेड ब्लाउज है, लॉन्ग गाउन कैसे बना सकते हैं, साइड हुक और जिप, और लॉन्ग गाउन में आप साइड में डोरी कैसे लगा सकते हैं, नेट ब्लाउज कटिंग कैसे कर सकते हैं, बोट ये बैक में हुक ब्लाउज कैसे बना सकते हैं, जैकेट वाली सूट कैसे बना सकते हैं, सिंपल लहंगा कैसे कटिंग करते हैं, टॉप कटिंग करेंगे, सिंपल बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे आपको, प्लेट्स वाली लहंगा कटिंग एंड स्टिचिंग, राउंड सूट विद सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है और इसके साथ हम जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले ये हमारा पार्ट ए है, तो पार्ट ए में हमने बेसिक नॉलेज दिया है, स्टिचिंग है हमारे बेसिक नॉलेज की, पार्ट ए स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट जो पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट है जो
वो है बेसिक नॉलेज अबाउट इंसिटिव। इंसिटिव के बारे में क्या क्या नॉलेज है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कच्चा कैसे डाला जाता है, ये है हेम सिलाई, तुरपाई सिलाई कैसे किया जाता है। उसके बाद है ये हमारी हुक लगाना, और ये हुक वाली आई बनाई हुई है हमने यहाँ पर। ये हमारी है बटन, दो तरह से लगाई हुई है, बटन वाली आई बनाई हुई है, चीट बटन लगाए हुए हैं। ये हमारा बेसिक जो है हमने आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और साथ में आपको भी कराएंगे और किस तरह से इसे बना रहे हैं वो भी सिखाएंगे आपको। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि आपकी जो बेसिक कोर्स है उसका अगर वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जल्दी से सीख सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था नॉलेज हम आपको दे चुके हैं इसकी, जो ये सिलेबस और प्रोजेक्ट फाइल की। तो हम अगले वीडियो में आपको फर्स्ट ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ इंसिटिव के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।